दोस्तों, तीन ऐसी खबरें हैं जो अगर न्यूज पॉइंट के हिसाब से देखा जाए, देश में जो घटनाक्रम है उनके हिसाब से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, और इन खबरों के पीछे राजनीति है और राजनीति के पीछे योजना दिखाई देती है। जो पहली महत्वपूर्ण खबर की चर्चा मैं आज करना चाहता हूं आपसे, वो है अपने मुल्क में बहुत वर्षों के बाद, सन 52 के बाद चीतों की वापसी, और चीते नामीबिया से लाए गए हैं। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री, जिनकी आज बर्थडे भी है, 72वीं उनकी जयंती है, उनका जन्मदिन है, वो ग्वालियर गए कुनो नेशनल पार्क में, और अपने हाथों से उन्होंने जो दरबे थे जिनमें चीते लाए गए थे, उनका लीवर दबाकर कुछ चीतों को उसमें से बाहर किया, और फिर वो जंगल में एक खास इनक्लोजर जो बनाया गया है उसमें छोड़ दिए गए। इसको नेशनल मीडिया ने एक बड़े नेशनल इंटरनेशनल इवेंट के तौर पे पेश किया है, और इस पर कल से ही कहानियां चलने लगी थी, यानी जब शुक्रवार से ही, जब अभी ये घटना सामने नहीं आई थी, ये इवेंट जो अभी स्टेज नहीं हुआ था, तब से इस पर कहानियां चलने लगी थी, खासकर टेलीविजन में। देश के सारे बड़े टेलीविजन चैनलों पर इससे बड़ी कोई कहानी नहीं थी। तो दो दिन से, हो सकता है कल भी इस पर स्टोरी चलती रहे, तो एक बड़ी घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी मानता हूं कि चीतों का लाया जाना पर्यावरण के हिसाब से, और जो हमारे देश में अलग अलग प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के हिसाब से और एक प्रकृति में संतुलन के हिसाब से महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसको जिस रूप में पेश किया गया है वो बताता है कि कैसे कुछ घटनाओं को लेकर कैसे इवेंट बड़ा बना दिया जाता है, जो इस देश के जो बड़े मसले हैं, जो सबसे बड़े मसले हैं, वो उसमें दब जाते हैं। ऐसा लगता है कि डाइवर्जन की एक बृहत्तर योजना के ये सारी चीजें हिस्सा बन जाते हैं। मैं प्रधानमंत्री की जो बर्थडे है उस अवसर पर उनको बधाई देता हूं, वो स्वस्थ रहें, और भारत के संविधान की जो प्रतिबद्धता है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देश के, वो उसके प्रति वो लगातार सतर्क और सजग रहें, हमारी शुभकामना है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इस तरह के मसलों को, क्या देश के जो बृहत्तर और मसले हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, राजनैतिक हैं, देश की जो इतनी बड़ी आबादी है वो जिस तरह से बेहाल होती जा रही है, और राजनीति में जिस तरह से आक्रामकता बढ़ रही है, जिस तरह से एक विघटन दिखाई देता है सोच के स्तर पर, इंटीग्रेशन के स्तर पर, एक सामासिकता के स्तर पर जो टूटन दिखाई दे रही है हमारे समाज में, हमारे पूरे के पूरे सियासत के अंदर भी, कैसे उसको संभाला जाए, संवैधानिकता का जिस तरह से विनाश किया जा रहा है उसको कैसे रोका जाए, इन चीजों पर बिल्कुल खामोशी है, इनको दबाया जा रहा है, इनको इश्यू नहीं बनने दिया जा रहा है। तो मेरा ये बस कहना है कि इस पर जो मीडिया जिस तरह से न्यूज को पेश कर रहा है, उस पर देश की जनता को और नागरिकों को, सजग लोगों को ही मंथन करने की जरूरत है कि आखिर किस खबर को कैसे हम पेश कर रहे हैं। अब ये बताया नहीं जा रहा है कि ये पहली कोई दफा ये परियोजना नहीं है जो ये सामने आई है। 2008 और 9 में उस समय की यूपीए सरकार ने इसे, बल्कि बहुत पहले इसको कंसीव किया गया था इस परियोजना को, और इसमें एक आईएएस अधिकारी थे एमके रंजीत सिंह, उनकी ब्रेन चाइल्ड थी ये परियोजना, बहुत पहले की बात है।
और इसके बाद धीरे धीरे उनकी अध्यक्षता में 2008-09 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। इस अवसर पर कमेटी की रिकमेंडेशन पर तत्कालीन जो पर्यावरण और वन मंत्री थे वो अफ्रीका भी गए, जयराम रमेश थे उन दिनों मंत्री, और इसके बाद लाए जाने की परियोजना को अमल में लाने का एक प्रयास या एक फैसला हुआ उस समय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कारणों से, तकनीकी कारणों से, इस परियोजना के अमल पर रोक लगा दी थी, और इसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट से वह जो परियोजना है उस पर स्टॉपेज यानी उसको रोका गया था, उसको उसको उस पर अमली जामा पहनाने को एक स्थगित किया गया था, रोका गया था, अरे खत्म किया गया था, और अब जो है ग्रीन झंडी उसको मिल गई। तो ये चीजें नहीं बताई जा रही, ऐसा लगता है कि ये जैसे पहली बार इनिशिएटिव लिया गया, पहली बार ये सब किया गया। मैं समझता हूं कि यह भी खबर को एक तरफा करने या सिर्फ एक एक ही पक्ष दिखाने का एक एक अजीब तरह का हमारे टेलीविजन चैनलों का एक एक रिवाज सा बन गया है। यह भी एक बैकग्राउंड में छुपा गया, इस बैकग्राउंड को लोगों ने छुपा दिया, खासकर जो टेलीविजन चैनल हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जर्नलिस्टिक हिसाब से, पूरी की पूरी बैकग्राउंड को ना दिखाना और एक बड़े इवेंट के तौर पे पेश कर देना, जिससे कि और चीजें डाइवर्ट हो जाएं। अब इस समय राहुल गांधी की यात्रा की कहीं मुख्य धारा के टेलीविजन चैनलों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ दो दिन से यही चर्चा हो रही है, चीते आए चीते आए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन और चीजें जो देश की हैं उनका क्या? अब जैसे उदाहरण के तौर पर इस समय विपक्ष के अनेक नेता हैं, अनेक नेता हैं जिन पर नए सिरे से मुकदमेबाजी की जा रही है, उनकी अरेस्टिंग की परियोजना बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है। अभी अभी पता चला है कि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके ऊपर सीबीआई ने दिल्ली की कोर्ट में एक अर्जी दी है कि उनकी अरेस्टिंग के लिए एक प्रयास शुरू कर दिया है, उनको अरेस्ट करने का प्रयास शुरू कर दिया है कि कैसे उनकी जमानत जो है, एक मसला जो था उनके ऊपर, उसको कैसे रद्द किया जाए। और ये जो मसला है IRCTC का मामला है, इसमें उनको जमानत पहले से मिली हुई है, और इसमें जो तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे, रेल मंत्री, उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव, उनके कार्यकाल का मसला है, जिसमें कि तेजस्वी यादव का डायरेक्ट कोई की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन उनके ऊपर उनकी जमानत को रद्द कराने की एक पहल किया है सीबीआई ने, और सीबीआई जानते हैं पहल कहां से और क्यों करती है। या भी इसके अलावा आप देखिए, आम आदमी पार्टी के जो MLAs हैं उनकी एक अभी अरेस्टिंग हुई है दिल्ली से। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं पर भी तलवार लटकी हुई है। इसके अलावा DK शिव कुमार, कर्नाटक के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के सूबे के अध्यक्ष, और जिनके बारे में कहा जाता है कि इस यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, उसके बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं, ऑर्गेनाइजर्स, वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं दक्षिण भारत में, उनके खिलाफ ईडी ने नए सिरे से पहल की है और उनको फिर से पेश होने का हुक्म दिया है। ये सारी चीजें चल रही हैं, गोवा गुजरात में भी चीजें हो रही हैं, गोवा में हो चुकी हैं। तो ये जो चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष की लामबंदी, विपक्ष की सक्रियता को कुंद करने का एक प्रयास है। तो अपने मुल्क में अगर जमहूरियत के साथ, संवैधानिकता के साथ अगर ये खिलवाड़ होता है और विपक्ष जो है, और मीडिया जो है विपक्ष के इन सवालों पर, इन सरोकारों पर बिल्कुल खामोश रहता है और सिर्फ एक ही तरह की चीजें दिखाता रहता है, तो जाहिर है ये न्याय नहीं है, ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, और जनता के प्रति जो मीडिया का रोल है, जो मीडिया का एक तरह से उसकी जवाबदेही है, उसका जो कर्तव्य है, उससे वो बिल्कुल जुदा हो रहा है, उससे बिल्कुल अलग हो रहा है, और इसको मीडिया नहीं कहा जा सकता, इसको कुल मिलाकर एक सत्ता पक्ष का एक ढिंढोरची कहा जा सकता है, उसका 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 एक तरह से मृदंग कहा जा सकता है, आप जो भी कह लीजिए, लेकिन ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है सच को दिखाना, और सच के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग चेहरे हैं, उनको पेश करना। तीसरी बात जो बिल्कुल आखिर में मैं करना चाहता हूं, बिहार में एक बड़ी अजीब घटना घटी है जिसको नेशनल मीडिया बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। दोस्तों पिछले दिनों बिहार में उनका उसका एक बेगूसराय जिला है, बहुत मशहूर जिला है,
और उस बेगूसराय जिले में कुछ दिन पहले की बात है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब ये नई सरकार आई जिसमें कि गठबंधन का स्वरूप बदल गया, भाजपा को छोड़कर वो महागठबंधन के साथ आ गए, यानी आरजेडी और अन्य लोगों के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया और मुख्यमंत्री बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी बने। तो इस सरकार के आने के बाद ये एक विचित्र घटना घटी कि बेगूसराय में कुछ लोग कई किलोमीटर के दायरे में मोटरसाइकिल से घूमते रहे और उन्होंने पिस्तौल या बंदूक, जो भी वो आग्नेयास्त्र जो है, लहराते हुए गोलियां चलाई कई किलोमीटर के दायरे में और अलग अलग इलाकों में चलाई। और सरकारी सूत्र जो बताते हैं, जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव जो सोर्सेज है बताते हैं कि आमतौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी या गरीब तबके के लोगों के इलाकों में ज्यादा चलाई गई। एक व्यक्ति मारा गया और दसेक घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है। बेगूसराय पुलिस ने, बिहार की पुलिस के जो अन्य बड़े अफसर हैं, एजेंसियां हैं, उनके सहयोग से सीसीटीवी कैमरे का भी उन्होंने उपयोग किया और उसमें से चार जो मुख्य अपराधी हैं, कहे जा रहे हैं अपराधी कहें या मुख्य अभियुक्त या आरोपी, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब बवाल मचा हुआ है, इतना बावेला मचा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं या कह रहे हैं, बड़े नेता जिनमें केंद्र में मंत्री भी हैं, कि नहीं 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 ये जो कि अरेस्टिंग हुई है गलत है, क्योंकि ये फंसाया जा रहा है उन लोगों को जो बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं, इसकी सीबीआई से जांच किया जाए, एनआईए की जांच की जाए। बिहार की सरकार की एजेंसियां बिल्कुल बायस्ड हैं कुछ इन लोगों के खिलाफ और इनको फंसाया जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि जैसे ही सरकार आती है इस तरह की स्थितियां पैदा करना कि गैर भाजपा सरकारों को जंगल राज का पर्याय बताना और इस तरह के किरदार जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, क्या वाकई बिहार की मौजूदा सरकार को बदनाम करने या जंगल राज का जुमला जो है उसके एक कुछ राजनीतिक दलों को उसके इस्तेमाल के लिए एक माहौल देने या एक हवा बनाने का ये हथकंडा तो नहीं है? ये बड़ा मसला है, लेकिन नेशनल मीडिया के लिए बिहार के बेगूसराय की इस घटना और वहां पर जो ब्रेक थ्रू हुआ है पुलिस द्वारा, जो रिवील किया गया है, जो अरेस्टिंग हुई है, उस पर बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल खामोशी, ये बताता है कि अपने देश में न्यूज को लेकर, घटनाक्रमों को लेकर किस तरह से मीडिया की बायस है और कैसे कुछ खास जो राजनीतिक जो हिस्से हैं, राजनीतिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया उनके बारे में बिल्कुल उनको इग्नोर करता है और कुछ ही लोगों की बातें दिखाता है। तो ये हालत है और न्यूज मंथन के इस एपिसोड में दोस्तों हमारा यही कहना है कि आखिर न्यूज के साथ, घटनाओं के कवरेज के साथ अगर आप न्याय नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि मीडिया अपने कर्तव्य से, अपने काम से, अपने तौर तरीके से वो बिल्कुल अलग होता है और ऐसे मीडिया की कोई मैं समझता हूं कि जो एक रिलेवेंस है नहीं रह जाती है और फिर वो ढिंढोरची हो जाता है। तो आज इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।